मेरे बारे में कई तरह की अलग अलग बातें हो रही है. आई एम जस्ट हियर टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स. नमस्कार, क्या एक गौ मांस खाने वाले को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए? तो ये घटना हुई है पूरी जगन्नाथ में, जहां एक गौ मांस सेवन करने वाले को पूरी जगन्नाथ में प्रवेश दे दिया गया. तो उसी को लेकर अभी बहुत एक मुद्दा चल रहा है. जो काम्या जामनी है, जो एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, तो उसी को लेकर एक अभी वो चल रहा है कि ये गौ मांस सेवन करती है और इसको प्रवेश कैसे. कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ पारंपरिक और बीफ करी बचा था, बट ये कॉम्बिनेशन खाकर इतना मजा आ गया कि तब से इट्स बिकम अ हॉट सेलिंग डिश हियर. मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और मैंने ना कभी बीफ खाया है और ना ही मैं उसे प्रमोट करती. और इसने अपने स्पष्टीकरण भी दिया, अपने इंस्टा में पोस्ट करके बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं ऐसे कृत्य नहीं करती, मैं चारों ज्योतिर्लिंग भूमि हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, इस प्रकार की बातें कही. लेकिन आप वीडियो को देख लीजिए कि खुद ही ये प्रमोट कर रही है या फिर सेवन कर रही है, जो भी हो. और उसमें ये सफाई भी दे दी कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं इस प्रकार का कृत्य नहीं करती. लेकिन तुम्हारे वीडियो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि साफ तौर पर ये मीट का मतलब बीफ का सेवन करती है या फिर प्रमोट कर रही है. अगर खाती भी नहीं तो प्रमोट तो कर रही है ना. बाकी मंदिर प्रांगण डिसाइड करेगी कैसे लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश देना है और कैसे नहीं देना है. चलिए, सब चीजों से भूल हो सकती है, हम मानते हैं कि हर कोई गलत हो जाता है. लेकिन आप खुद को, कोई तो आईना होगा जिसमें खुद को देखते होंगे, जो खुद को आप हिंदू बोल रहे हैं और आप बीफ का प्रमोट कर रहे हैं और बीफ का सेवन कर रहे हैं, तो आप खुद को मतलब एक आईना में रखकर देख पाते हैं? अथवा आपकी अंदर का जमीर मर चुका है, जो अंदर की जो आत्मा है वो मर चुकी है, सिर्फ पैसों के लिए हर चीज को प्रमोट कर दिया जाता है. अगर आप सेवन नहीं करते तो प्रमोट तो कर ही रहे हो ना कहीं तो आप गिल्टी प्रूव हो रहे हो. तो आपको सॉरी बोलकर इस मुद्दे को शांत कर देना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ सफाई नहीं देनी है, अपने आपको सही साबित करना है. जो आपके वीडियो से भली भांति दिख रहा है कि आप प्रमोट कर रहे हो या सेवन कर रहे हो. बाकी जो खाना है वो तो स्वतंत्र है, आप खा सकते हो, लेकिन इस तरह का बखान मत करो कि मैं दिख रहा वो मैं ही हूं, लोग अंधे हैं जो ये चीज देख रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं. आपके धर्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, आप खा सकते हो, आप नहीं भी खा सकते, वो आपकी है. लेकिन ऐसे मंदिर प्रांगण में जहां साफ तौर पर लिखा है कि गैर हिंदू को यहां आना मना है, विधर्मियों को यहां प्रवेश करना मना है, तो उसके बाद भी आप जब इस प्रकार के कृत्य करते हो तो आपको शर्म आना चाहिए और खुद को हिंदू बोलने में भी शर्मिंदगी होनी चाहिए. बाकी जनता क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आपकी आत्मा तो शुद्ध होनी चाहिए ना, अगर मैं किसी चीज को बोल रही हूं या फिर कर रही हूं तो. लेकिन फिर भी बोल दो कि लोगों के द्वारा मुझे ट्रोल किया जा रहा है, जो सच्चाई है वो बोलना ट्रोल नहीं होता. आप अपने चरित्र को सुधार लीजिए, अपने कृत्य को सुधार लीजिए, तो दुनिया नहीं बोलेगी. ये भी होता है कि आप माफी मांग सकते हैं कि हाँ हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो, खत्म हो गई बात. लेकिन उस चीज में खुद को डिफेंड करना तो और गड्ढे में गिरने के बराबर है. और एक ये पत्रकार जो अपने आपको निष्पक्ष पत्रकार बोलते हैं, इन लोग, इसका हम दो तीन वीडियो देखे हैं जहां ये सिर्फ एक एजेंडा के तहत ये पत्रकारिता करता है. ये सिर्फ ये सुनना चाहता है कि मोदी की बुराई सुनना चाहता है. अभी एक महिला है जो लखपति महिला बोलकर इसका मोदी जी के सामने स्पीच दिया था इसने, तो उसी के पास गया मिलने के लिए और ये सुनना चाह रहा था कि इसको जब मोदी जी के सामने ले जाया गया तो इसको लीक कर दिया गया था स्पीच इसका. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपने मन से बोली, जो उसको फील होता है वही बोली. तो ये बेचारे के साथ मोए मोए हो गया. ये हमेशा जहां भी जाता है, कभी वहां जहां अपने एजेंडा को पुश करना चाहता है तो वैसा हो नहीं पाता. बेचारे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, समय बुरा चल रहा है बेचारे का, दुख होता है ऐसे लोगों के लिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बनारस दौरे में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि एक बहन चंदा देवी से मेरी मुलाकात हुई, जो स्वयं सहायता समूह चलाती है, लखपति दीदी, और उनके भाषण को सुन के मैं मंत्रमुग्ध हो गया. बड़े बड़े लोग वो भाषण नहीं दे पाएंगे, तो मैं उन्हीं चंदा देवी से मिलने उनके गांव रामपुर में आ गया हूँ. वहाँ से मैंने 1,00,000 रुपए का ऋण लिया और खेत रेहनी लिया, फिर उसमें धान की खेती की, फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ. इसी तरह मैं खेती पे कार्य करती गई और आत्मनिर्भर बनी और मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी. इसके साथ ही साथ मेरे बच्चों के खान पान, पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव आया. फिर इसी प्रकार जो हमारे ब्लॉक की BMM है मंजू दीदी, उनसे हमारी मुलाकात हुई. उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया और उस कार्य को करने के बारे में समझाया. ये पूरा रट की तैयार की थी क्या? नहीं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं. ऐसे तो लग रहा है जैसे गाय पर निबंध रटा जाता है बचपन में.
वैसे ही रट के एकदम माननीय प्रधानमंत्री रटी थी। रटन विद्या बचपना में चलता है, अब हम लोग सक्षम हो गए हैं कि हम कुछ समझ के बोल सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको कितने दिन पहले बताया गया था कि दिन पहले हमको तो ये भी नहीं पता था कि हमारा नाम वहाँ पे चला गया है। जब पास बन गया तब हमको पता चला कि हमको वहाँ पे बोलना है, तो खुद ही हम परेशान हो गए कि हम क्या बोलेंगे। फिर सोचे चलिए कोई बात नहीं, जो हम अपने जीवन में महसूस किए हैं उसी को महसूस करके बोलेंगे। और दो दिन पहले पता चला? जी, दो दिन पहले पता चला। तो उन लोगों को सीडीओ सर बताए हमको कि चंदा जी आपका नाम दे दिए, आपको मंच पे प्रधानमंत्री जी के सामने बोलना है। और लोग लिख के दिए? नहीं नहीं, अधिकारी लोग कुछ तैयार नहीं कराए? अरे क्या तैयार कर, हम जो अपने उनको ये इसमें ये महत्व है ना कि जो हम महसूस किए हैं, जो हम जर्नी बिताए हैं अपने साथ, उसको बोलना था ना। इसमें कुछ रटना थोड़ी ना था हमको, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अच्छा थोड़ी ना साबित करना था। हम उन्हीं के माध्यम से समूह से जुड़े, अगर वो समूह का अगर समूह की योजना नहीं लाते तो हम उससे जुड़ते नहीं। और आज हमको ये जो मंच पे सौभाग्य मिला है उनके सामने बोलने का, और वो मिलता हम वहाँ पे थोड़ी ना जा पाते। अरे नहीं, आपकी सफलता है, आपने इतना अच्छा काम किया जिस क्षेत्र में उनकी योजना आई उससे हम जुड़े, उसके बाद ये सफलता हमको प्राप्त। बाकी आप स्वयं देख सकते हैं कि मोदी जी बार बार क्यों आते हैं। तो ये महिला आपको बता रही है कैसे मोदी जी की इस योजना से हमें कितना लाभ मिला और कितना नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति के साथ मेरा हमें बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बाकी आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।